हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज नया चैप्टर है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं आज इस लेक्चर में। ठीक है, और ये काफ़ी आईआईटी जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। सुन रहे हैं कि 11th 12th के लिए तो है ही, और आईआईटी जेई के लिए खास करके ज़्यादा ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन को FPF बोलेंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है, FPF का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, और GIF का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए अब क्या इसका कंसेप्ट है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना, लेट x बिलोंग्स टू रियल। यदि x क्या रहेगा, रियल नंबर, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ X is denoted by box X and is defined as या देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स भी बोलते हैं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स या बॉक्स एक्स यदि एक्स क्या रहेगा, रियल नंबर। ठीक है, तो x के ग्रेटेस्ट इंटीजर को बॉक्स x से डिनोट करते हैं। और ये देखिए डिफाइन कैसे होता है, बॉक्स x का वैल्यू हो जाएगा क्या, x। बॉक्स x का वैल्यू क्या होगा, x के बराबर, मतलब जो नंबर मॉड मतलब बॉक्स के अंदर में है उसके बराबर ही इसका वैल्यू आएगा। इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, यदि x इंटीजर रहेगा। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में यदि इंटीजर रहेगा तो बॉक्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स। और यदि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में इंटीजर नहीं रहेगा, ठीक है, यदि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में इंटीजर नहीं रहेगा तो देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, इंटीजर जस्ट लेस देन एक्स। तब इस x से यदि x इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो इस x से जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, उसका वैल्यू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी जैसे मान लीजिए 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर या इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 के है आपसे। ठीक है, तो आप देख लीजिए बॉक्स के अंदर में जो नंबर है, ठीक है, इंटीजर है या नॉन इंटीजर है। यदि इंटीजर रहेगा तो एज इट इज़ बॉक्स से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यदि इंटीजर नहीं रहेगा जिससे 2.5 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप देख लीजिए 2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है, 2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या आ जाएगा, 2। यही इसका वैल्यू होगा। नहीं आई बात समझ में, मतलब यदि x नॉन इंटीजर रहेगा, ठीक है, तो x से जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा वही बॉक्स x का वैल्यू होगा। और यदि x इंटीजर रहेगा
तो बॉक्स x का वैल्यू केवल x के बराबर आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए इंटीजर था तो एज इट इज निकल गया बाहर, और यहाँ नॉन इंटीजर है तो इस इन मतलब ये नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर जो है ना वही इसके इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू होगा। मतलब ये टू पॉइंट ब्रैकेट ऑफ 2.5 का को क्या पढ़ेंगे हम, इसको क्या पढ़ेंगे इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.5, इसको क्या कहेंगे हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2। और ऐसे देख सकते हैं आप इसका वैल्यू जो भी आएगा इंटीजर ही तो आ रहा है ना, 2.5 का इंटीग्रल पार्ट क्या आया 2, ऐसे भी इंटीग्रल पार्ट हम बोल रहे थे ये जो इसका सॉल्यूशन है वो इंटीजर ही है ना, तो इसीलिए इसको हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। या ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 का यदि आपसे पूछा जाए तो आप देख लीजिए 2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर, जैसे 2.5 से बहुत सारा इंटीजर क्या होगा छोटा होगा, लेकिन 2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा वही इसका इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे देख लीजिए 3.999 है अप टू चलिए इन्फिनिटी, तो आप देख लीजिए बॉक्स के अंदर में जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, नॉन इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, है ना। जब इंटीजर नहीं है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम कैसे निकालेंगे, यदि ये इंटीजर रहता तो एज इट इज़ हम क्या करते बाहर निकाल देते बॉक्स से क्वांटिटी को, और यदि इंटीजर नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, यदि ये इंटीजर नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे इंटीजर जस्ट लेस देन ये क्वांटिटी है ना, और इस क्वांटिटी से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है थ्री लिख लेंगे, है ना। उसके बाद चलिए 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 4 - 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो -4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ठीक है। तो आप ऐसे देखिए -4.9 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, -5, इससे जस्ट अभी बहुत सारे बच्चों को लगता है -4 इससे छोटा होगा, नहीं, -4 - 4.9 से कभी भी छोटा नहीं होगा, -4 क्या होगा -4.9 से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो इसका देख लीजिए ये इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा -4.9 का, ये जो ब्रैकेट है ना और उसके अंदर में x है, इसको क्या बोलेंगे हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है। या इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी पढ़ते हैं, या इसको पढ़ेंगे क्या -4.9 का मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, या बॉक्स -4.9 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस तरीका से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो चलिए अब -4.9 का इंटीग्रल पार्ट हम आपको निकालने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, -4.9 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है -5, इसका क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, -3.6 का इंटीग्रल पार्ट, तो -3.6 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या आ जाएगा -4, और चलिए 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा क्या 0, 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आ जाएगा 0, चूँकि 0.9 इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर है। अब 0.9 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या आता है 0, ठीक है। सो इसका क्या आ जाएगा वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरे को 1.00001 इसका इंटीग्रल पार्ट यदि निकालने के लिए दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे, देख लेते हैं। बॉक्स के अंदर में जो एक्सप्रेशन है, बॉक्स के अंदर में जो नंबर है ये क्या है, रियल है, ऐसे भी एक्स के बारे में हम आपको बोले हैं रियल होना चाहिए, ठीक है, और ये रियल भी है ओके। अब देखिए, और ये इससे जस्ट छोटा इंटीजर, ये नॉन इंटीजर है ना, तो देख लेंगे इससे जस्ट छोटा इंटीजर होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा, इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या आ जाएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में समझ में आ गया आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, x के बराबर आएगा जब x इंटीजर रहेगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू इंटीजर जस्ट लेस देन x के बराबर आएगा कब, जब x नॉन इंटीजर रहेगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए माइनस एक्स का ब्रैकेट का बात करेगा, माइनस एक्स की ब्रैकेट का बात करेगा यदि, तो देखिए क्या होगा, ये माइनस एक्स ही आएगा कब, जब इफ एक्स, एक्स क्या होगा इंटीजर, ठीक है,
यदि x इंटीजर रहेगा तो माइनस एक्स ही आएगा, इंटीजर जस्ट लेस देन माइनस एक्स, कब इफ x क्या होगा नॉन इंटीजर होगा, यदि x नॉन इंटीजर रहेगा ठीक है तो हम क्या करेंगे जो कंसेप्ट वहां लगाएंगे वही यहां पर भी लगाएंगे। जैसे देख लीजिए यहां माइनस टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, माइनस टू, चूंकि बॉक्स के अंदर में जो एक्सप्रेशन है क्या है, बॉक्स के अंदर में जो नंबर है वो क्या है इंटीजर ही तो है ना, ठीक है तो एज इट इज बाहर निकल जाएगा, लेकिन माइनस 2.5 यदि रहेगा तो देखिए क्या आएगा, माइनस 2.5 आने पर क्या इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट देखिए क्या आ जाएगा माइनस 3, माइनस 7.9 का क्या आ जाएगा माइनस 8, माइनस 6.8 का क्या आ जाएगा माइनस 7, ये सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर, चूंकि ये इंटीजर नहीं है तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा ना हम आपको पहले ही वहाँ बता दिए, लेकिन मेरा ये मुद्दा अभी है ना ये वाला नहीं है, मेरा तो एक अलग तरीका का फॉर्मूला निकालने का मुद्दा है ना। रिजल्ट नंबर वन में देखिए क्या, या नॉट में लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स एक्स प्लस माइनस का बॉक्स एक्स, ठीक है ये दोनों को ऐड करने पर देखिए क्या क्या आ सकता है, बॉक्स एक्स प्लस माइनस ऑफ बॉक्स एक्स, यदि हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या सब रिजल्ट मेरे को मिलेगा, यदि एक्स इंटीजर रहेगा याद रखिएगा इफ एक्स बिलोंग्स टू क्या इंटीजर, यदि एक्स इंटीजर रहेगा, एक्स यदि इंटीजर रहेगा तो एज इट इज बाहर निकल जाएगा, ये एज इट इज बाहर ये निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस एक्स, क्लियर है, या ऐसे सोचिए जीरो आ जाएगा, दोनों सेम आ जाएगा जीरो आ जाएगा इफ एक्स क्या हो इंटीजर नहीं है ना, तो क्या आएगा यदि x इंटीजर नहीं रहेगा तो क्या रिजल्ट बनने वाला है यहाँ पर, x यदि इंटीजर नहीं रहेगा इसका मतलब ऐसे देखिए x के जगह पर हम क्या करते हैं पुटिंग x इक्वल्स टू 2.7, चलिए इसमें हम पुट करते हैं ठीक है, एक बार वैल्यू निकालते हैं, यदि x नॉन इंटीजर रहेगा तो इसमें रखेंगे 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस 2.7, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखिए क्या होगा 2.7 का, तो हम कैसे सोचेंगे 2.7 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना 2.7 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर होगा ठीक है, तो 2.7 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर क्या आता है 2, और माइनस 2.7 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर क्या आता है माइनस 3, आप देख लीजिए माइनस 1 आया। आप फिर आगे बढ़ते हैं x के जगह पर और भी चीज़ें हम रख रहे हैं ठीक है, 7.5 रख देते हैं ठीक है, अब यहाँ रख लीजिए आप क्या 7.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस 7.5, ये क्या आ जाएगा 7, ये आ जाएगा माइनस 8, देख लीजिए इसका मतलब यदि x क्या रहेगा नॉन इंटीजर रहेगा तो क्या रिजल्ट आने वाला है बॉक्स x प्लस माइनस बॉक्स x माइनस 1 के बराबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये आपको याद होना चाहिए ठीक है, कि बॉक्स x में यदि हम उसी के निगेटिव के बॉक्स को जोड़ते हैं, मतलब x है ना बॉक्स x है प्लस नेगेटिव ऑफ x का बॉक्स, दोनों को यदि हम ऐड करें तो जीरो बड़ा बड़ा आएगा, कब जब x क्या होगा इंटीजर रहेगा, और नॉन इंटीजर रहने पर यदि इंटीजर नहीं रहेगा तो तब हम जब दोनों को जोड़ेंगे ठीक है तो क्या आ जाएगा माइनस 1 के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है, ये सब आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी इतना ही आपको समझना है, और एक चीज़ और आप इस चीज़ को रट जाइए ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज है ना गिव्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ऑलवेज गिव्स एन इंटीजर ठीक है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, वो भी हम लिखा ही देते हैं, इसको क्या कीजिए एक नंबर कर लीजिए,
बॉक्स एक्स इज ऑलवेज गिव्स एन इंटीजर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, एक्स के हर एक रियल वैल्यू के लिए, ठीक है, बॉक्स एक्स हमेशा क्या करेगा, इंटीजर देगा। डेट इज आप ऐसे बोल सकते हैं, बॉक्स एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। शॉर्टकट में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉक्स एक्स हमेशा इंटीजर को बिलोंग करेगा एक्स के हर एक वैल्यू के लिए। आप देख सकते हैं, माइनस टू का बॉक्स निकाले, माइनस टू आया, माइनस टू पॉइंट फाइव का बॉक्स निकाले तो माइनस थ्री आया, ठीक है, माइनस सेवन पॉइंट नाइन का बॉक्स निकाले, माइनस एट आया, माइनस एट, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस सेवन, ये सब क्या है, इंटीजर ही है ना। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिए और इसको भी आप याद कर लीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी ये है, याद रखिएगा, किसी भी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब जैसे मान लीजिए x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, या तो x के बराबर होगा लेकिन हमेशा x माइनस वन से क्या आएगा, ग्रेटर ही आएगा। मतलब बॉक्स x जो है ना, इसमें से यदि आप वन घटा लेते हैं तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो हमेशा क्या होगा, इससे ग्रेटर आएगा। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, x आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो या तो x यदि आप जैसे मान लीजिए, चलिए हम 2 ले लेते हैं, बगल में यहाँ ध्यान देना है आपको, x की जगह पर हम क्या क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, एक 2.5 ले रहे हैं, एक माइनस 2 ले रहे हैं, ठीक है, एक माइनस 2.5 ले रहे हैं। इतना में ही तो मेरा ये प्रॉपर्टी चेक हो जाएगा, सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। चलिए x की जगह पर हम क्या कर लेते हैं, पहले 2 रख लेते हैं, ठीक है, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1, ठीक है, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 2, और फिर यहाँ चलिए 2 से छोटा नहीं होता लेकिन बराबर होता है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। मतलब बॉक्स x x के बराबर भी आ सकता है लेकिन यहाँ देखिए ये हमेशा इससे क्या आएगा, ये जो है ना हमेशा बड़ा ही आएगा। चलिए एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर देखिए क्या है, 2.5, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2.5 माइनस 1 इज लेस देन 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ देखिए लेस देन इक्वल टू 2.5, ये देखिए कितना आ जाएगा, 1.5 इज लेस देन 2 इज लेस देन 2.5। यहाँ इक्वल टू एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन देख लीजिए प्रॉपर्टी सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंटीजर पर ये इक्वालिटी को एग्जिस्ट करेगा, जब इंटीजर नहीं रहेगा तो ये लेस देन का साइन यहाँ रहेगा, ठीक है, इक्वल टू का साइन हट जाएगा यदि इंटीजर नहीं रहेगा तो। आप चेक कर सकते हैं नेगेटिव लेकर के भी, यदि आप यहाँ पर एक्स के जगह पर माइनस 2.5 लेते हैं, ठीक है, माइनस 2.5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, माइनस 3.5, और माइनस 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है क्या, माइनस 3, और यहाँ देखिए माइनस 2.5, ये दोनों बराबर नहीं होता है ना, ये दोनों बराबर नहीं होता, बट इससे ये छोटा होता है, इससे ये छोटा होता है। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी अभी हम यहाँ पर आपको लिखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसमें जितना स्टार लगाएं उतना ही कम पड़ेगा, ठीक है, मतलब किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है या तो उसके बराबर होगा या उसमें से यदि आप एक कम कर लेंगे ना उसके रेंज में आएगा, मतलब बॉक्स एक्स का रेंज है ये। चलिए एक चीज हम हिंदी में लिख रहे हैं, या नहीं तो आप ऐसे समझिए, हम बोल ही देते हैं क्या लिखेंगे हिंदी में, यदि x, ठीक है, यदि x दो लगातार इंटीजर के बीच में लाई करे, यदि x क्या करे, दो लगातार इंटीजर के बीच में, कॉन्जुकेटिव इंटीजर के बीच में लाई करता है, यदि x दो कॉन्जुकेटिव इंटीजर के बीच में लाई करता है, ठीक है, ठीक है, तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो दोनों इंटीजर में जो छोटा इंटीजर है ना उसी के बराबर आता है। क्या बोल रहे हैं अभी हम यहाँ पर, यदि x दो लगातार इंटीजर के बीच लाई करता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ कर लेते हैं लेट n बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर, तो दो लगातार इंटीजर हम कैसे चुन सकते हैं, ऐसे चुन सकते हैं, n है, x है और n प्लस 1, ये दो लगातार इंटीजर है, याद रखिएगा
एन क्या है, इंटीजर है एंड, और यदि एक्स एन और एन प्लस वन के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, देन याद रखिएगा बॉक्स एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन के बराबर। मतलब यदि एक्स दो लगातार इंटीजर के बीच में लाई करे, ठीक है, तो एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है ना, ये दोनों इंटीजर में जो छोटा इंटीजर होता है ना वही होता है। ये दोनों इंटीजर में ये एन है और ये एन प्लस वन है, दोनों में छोटा इंटीजर क्या है, ये है, तो यही हो जाएगा बॉक्स एक्स का वैल्यू, ठीक है ना। ये इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, और इसका उल्टा भी याद रखना है। यदि x क्या हो जाए, बॉक्स x यदि किसी क्वांटिटी के बराबर रहे, तो इससे मेरे को साफ साफ पता चलता है ये दो लगातार इंटीजर के बीच में रहा होगा, ठीक है, उसमें जो सबसे छोटा इंटीजर रहा होगा ना वही इसका वैल्यू हुआ होगा। यहाँ पर आप इक्वल टू भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू रहेगा, लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे मान लीजिए x क्या है, 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, 2 से 3 के बीच का x का कोई वैल्यू आप ले लीजिए, चलिए ले लेते हैं 2.1, 2.01, 2.111, है ना, 2.5, 2.9, 2.99, क्या ये x जो है 2 से 3 के बीच में लाई करेगा? 2.9 आप देख लीजिए ना, 2 से 3 के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा? 2.1 इसी इंटरवल में आ जाएगा ना, आप रख करके देख लीजिए x के जगह पर 2.1, 2.1 3 से छोटा होता है, बट 2 से क्या होता है, बड़ा होता है। अब चलिए इसका मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, इसका मतलब ये देख लीजिए, ये इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर रहने पर इंटीजर जस्ट लेस देन x, ठीक है। यदि x का मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना रहेगा, और x यदि नॉन इंटीजर रहेगा, ठीक है, तो x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना, x से जस्ट छोटा इंटीजर होता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये इंटीजर नहीं है, तो नॉन इंटीजर है ये, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या आ जाएगा, 2.1 से 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ये तमाम जो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 2 से 3 के बीच में, तो x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना, देन x बॉक्स x इक्वल्स टू क्या, 2। या आप ऐसे बोल सकते हैं, इफ़ x जो है 2 से 3 के बीच में भी यदि लाई करे, देन बॉक्स x क्या होगा, तब भी बॉक्स x 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि 2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है, चूँकि 2 क्या है, इंटीजर है, ठीक है। यदि हम 2 को भी शामिल कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से मेरे को एक फॉर्मूला पक्का निकल करके सामने आता है, ठीक है, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है यदि आपको निकालना रहे, तो आप देख लीजिए वो नंबर जो है किन दो लगातार इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, समझ में आया क्या? उसके बीच में आप, उसके बीच का कोई भी आप एक्स का वैल्यू ले लीजिए, आपको आराम से एक्स मिल जाएगा, मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा आपको वही नंबर मिलेगा। चलिए एग्जाम्पल और भी लगाते हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट, ऐसे काफ़ी आसान है। अभी जैसे देखिए फोर एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 2। इस बात से आप क्या समझते हैं? यहाँ जो हम लिखे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 2, तो इस बात से आप क्या समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया 2? इस बात से मेरे को यही लगता है कि x जो होगा या तो 2 होगा, क्योंकि 2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, या x जो होगा ना 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। x 2 3 नहीं होगा, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 एक इंटीजर है, 3 का हो जाएगा क्या 3, लेकिन 2.9993 के जस्ट क्या है, पीछे का पॉइंट है ना, मतलब राइट लेफ्ट साइड का पॉइंट है, 3 नहीं होगा, 3 को छोड़ करके आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, इसी इंटरवल का, तो हमेशा क्या आएगा, x जो होगा मतलब बॉक्स x क्या आएगा 2 के बराबर आएगा। इस बात से मेरे को यही समझ में आता है x जो होगा या तो 2 होगा या 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है इफ बॉक्स x इक्वल्स टू -3 देन x बिलोंग्स टू,
इससे मेरे को साफ साफ पता चलता है x का वैल्यू माइनस थ्री के बराबर आएगा। माइनस थ्री का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? माइनस थ्री का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस थ्री, ठीक है। और इससे यदि आप बड़ा वैल्यू लेते हैं, कहाँ तक? माइनस थ्री से माइनस टू तक, ठीक है। x का वैल्यू यदि आप माइनस थ्री से माइनस टू तक लेते हैं, ठीक है, और इसके बीच का कोई भी नंबर आप लेते हैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा? माइनस थ्री आएगा। जैसे आप देख सकते हैं इसके बीच का कोई वैल्यू आप सोचिए, ऐसे कोई वैल्यू सोचिए, माइनस टू पॉइंट नाइन नाइन नाइन, ठीक है, माइनस टू पॉइंट नाइन, और ये सब का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए, देखिए हमेशा क्या निकलेगा? माइनस थ्री, ठीक है। सो आप याद रखिएगा, यदि x क्या रहेगा? किसी इंटीजर के बराबर, बॉक्स x यदि किसी इंटीजर के बराबर रहे तो फिर x कैसे निकलेगा, ये बात भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर इस चीज़ को कैसे समझेंगे, चलिए और भी एग्जाम्पल लगाते हैं तो एक आइडिया आ जाएगा। जैसे बॉक्स x इक्वल्स टू है क्या? थ्री, टू पर वन से स्टार्ट करते हैं। तो x देखिए कहाँ से कहाँ तक, x वन हो सकता है और टू के, वन और टू के बीच का हो सकता है कोई नंबर, टू नहीं होगा। यदि टू x ले लेते हैं तो टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा क्या? टू, टू नहीं लेंगे, बट वन और टू के बीच का कोई वैल्यू आप ले लीजिए और वन भी ले लीजिए, देखिए हमेशा ये क्या आएगा? हमेशा बॉक्स x का वैल्यू वन के बराबर आएगा, ठीक है। यदि आप बॉक्स x ले लेते हैं किसके बराबर? टू के बराबर, देन x बिलोंग्स टू टू से थ्री। यदि आप बॉक्स x ले लेते हैं क्या? थ्री, देन x बिलोंग्स टू थ्री टू फोर। यदि आप बॉक्स x ले लेते हैं फोर के बराबर, देन x बिलोंग्स टू फोर टू फाइव। यदि आप बॉक्स x ले लेते हैं क्या? फाइव, देन x बिलोंग्स टू फाइव टू सिक्स। इससे मेरे को ये पता चल पा रही है, देख लीजिए यहाँ पर, यदि हम बॉक्स x इक्वल्स टू ले लेते हैं क्या? n, देन x बिलोंग्स टू, यहाँ जो है बॉक्स x जिसके इक्वल टू है, ठीक है, इक्वल है बॉक्स x जिसके इक्वल है, देख लीजिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल उसी पर लगा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? n पर क्लोज इंटरवल लगेगा, और यहाँ देखिए जितना यहाँ है ना उससे एक अधिक आगे हैं, और लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ओपन इंटरवल लगेगा। तो याद रखिएगा बॉक्स x इक्वल्स टू n, लेकिन हाँ यहाँ पर क्या होना चाहिए? n इंटीजर होना चाहिए, चूँकि बॉक्स x हमेशा क्या करेगा? इंटीजर ही देगा। क्लियर है? तो याद रखिए और देख लीजिए यहाँ पर, यही चीज़ तो हम यहाँ पर आपको लिखाए हैं, ठीक है ना, कि यदि बॉक्स x इक्वल्स टू n रहे तो x क्या होता है? n से n प्लस वन तक लाई करता है। इसी चीज़ को यदि आप इंटरवल में लिखेंगे ना, तो x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? n से n प्लस वन के बीच में, यहाँ हो जाएगा क्या? x, यहाँ देखिए क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा? लेस देन। समझ में आया क्या? काफ़ी आसान है इसका रिजल्ट को याद रखना। याद रखिएगा इफ बॉक्स एक्स इक्वल्स टू एन, देन, और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये दोनों क्या है? कंजुगेटिव, इंटीजर्स, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये देखिए बॉक्स x n के बराबर कब होता है? बॉक्स x n के बराबर कब होगा ऐसे सोचना है। यदि x क्या होगा? दो लगातार इंटीजर के बीच में रहेगा, ठीक, ऐसे ध्यान दीजिए। यदि बॉक्स x n के बराबर रहेगा तो x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? n से n प्लस वन तक, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्या? यदि बॉक्स x n के बराबर होगा तो x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? n से n प्लस वन तक। और ऐसे याद रखिएगा, यदि x दो लगातार इंटीजर के बीच में रहे, ठीक है, तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना, या इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होगा? ये दोनों इंटीजर में जो छोटा इंटीजर है ना वही हो जाएगा, ठीक है,
वही इसका वैल्यू हो जाएगा। यदि x दो लगातार इंटीजर के बीच में लाई करे तब x का इंटीग्रल पार्ट यदि आपसे पूछे कोई, ठीक है, तो आप सीधा सीधे क्या बोलिए, दोनों में जो दोनों इंटीजर्स में जो छोटा इंटीजर है ना वही उसका वैल्यू आ जाएगा। जैसे चलिए हम क्वेश्चन ऐसे बता दिए हैं, अभी जस्ट यहाँ बताए थे, इफ़ x माइनस वन से लेकर के कहाँ तक है, जीरो तक है, ठीक है, देन x का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, मतलब यदि x यहाँ से यहाँ तक है तो x का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, x का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, माइनस वन, चूँकि ये दोनों लगातार इंटीजर है, ठीक है, तो ये दोनों लगातार इंटीजर है तो ये दोनों में जो छोटा इंटीजर होगा ना वही क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ इक्वल टू भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देन बॉक्स x क्या आ जाएगा, माइनस वन ही। अब ऐसे नहीं रहेगा, अब देखिए कैसे रहेगा, माइनस थ्री से x के बारे में बोल देगा क्या, फोर तक है, ठीक है, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, आप देख लीजिए माइनस थ्री से फोर के बीच में, ठीक है, माइनस थ्री से फोर के बीच का कोई भी आप नंबर लीजिए अपने मन से, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए, कोई भी नंबर लीजिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए, देखिए क्या क्या आ सकता है। तो आप ऐसे सोचिए पहले, माइनस थ्री से फोर के बीच में माइनस थ्री एक इंटीजर है, ठीक है, तो माइनस थ्री का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, माइनस थ्री, मतलब ये हुआ माइनस थ्री। अब आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इसके इसके बीच में जितना इंटीजर होगा ना वही सब इसका सॉल्यूशन है, बस याद आप कर लीजिए, माइनस थ्री से फोर के बीच में जितना भी इंटीजर है ना वही तो इसका सॉल्यूशन होगा ना, माइनस थ्री से फोर के बीच में क्या क्या इंटीजर है, माइनस थ्री भी इंटीजर है, ठीक है, फोर भी इंटीजर है, फाइव भी है, सिक्स भी है, नहीं, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि फोर इसमें है ही नहीं, x का वैल्यू फोर होगा ही नहीं, यदि फोर x ले लें, x के जगह पर फोर लेना और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, फोर निकल जाएगा, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आया क्या, नहीं आया, आप ऐसे देख लो, माइनस थ्री से फोर के बीच में जो सब इंटीजर है ना वही तो इसका वैल्यू होगा ना, माइनस थ्री से फोर के बीच में क्या क्या इंटीजर में आता है, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट हो गया। अब आपको ऐसे भी लग सकता है, यदि यहाँ पर हम इक्वल टू नहीं लगाएं तो, आपको विश्वास नहीं है तो माइनस 2.999 इसमें आ जाएगा क्या, माइनस 2.9999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप निकालिए, ठीक है ना, देख लीजिए आ गया क्या, माइनस थ्री ही आएगा उसका, तो इसका मतलब यहाँ इक्वल टू रहे या नहीं रहे, ठीक है, लेकिन यहाँ के पॉइंट को मेरे को शामिल करना ही पड़ेगा। आप देख लीजिए इसके बीच में क्या क्या इंटीजर है, या नहीं तो आप नंबर सोचते जाइए इसके इसके बीच का, ठीक है ना, नंबर सोचते जाइए उसका इंटीग्रल पार्ट आप निकालते जाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, मतलब दो लगातार इंटीजर के बीच में नंबर को लिखते जाएंगे, उससे बढ़िया है कि पहले गिन लेंगे इसमें क्या क्या इंटीजर में आ रहा है, केवल इसको छोड़ करके बाद में कि इससे नीचे जितना भी इंटीजर आएगा ना सबको आगे लिख लेंगे, ठीक है, तो माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, ये तमाम इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा इस एक्स का, यदि एक्स यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा तो इस एक्स का इंटीग्रल पार्ट ये सब होगा। यदि देन बॉक्स एक्स क्या होगा, आंसर ही लिख लेते हैं यहां पर, आप देख लीजिए जीरो से कम, ठीक है, माइनस फाइव तक कितने इंटीजर है ना इस इंटरवल में लाई करेगा, जैसे यहाँ पर इक्वल टू नहीं है लेकिन हम आपको बोले हैं जीरो से नीचे जितना भी इंटीजर होगा माइनस फाइव तक, माइनस फाइव को भी इंक्लूड करते हुए, ठीक है, तमाम आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। जीरो को छोड़ देना है, ठीक है, अब जैसे आपको लग सकता है कि यहाँ माइनस फाइव इक्वल टू नहीं है तो आप ऐसे सोचिए इसी चीज़ को, जैसे एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, जीरो से, माइनस फाइव से जीरो के बीच,
इसको दो लगातार इंटीजर के बीच में इसी इंटरवल को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस फाइव से एक्स का वैल्यू माइनस फोर तक ले लेते हैं, फिर माइनस फोर से इक्वल टू कहीं एक जगह लगाइए, यहाँ पर लगाइएगा, ठीक है। माइनस थ्री देख लीजिए, माइनस थ्री से एक्स का वैल्यू कहाँ तक, माइनस टू तक। माइनस टू से एक्स का वैल्यू कहाँ तक, माइनस वन तक, ठीक है। माइनस वन से एक्स का वैल्यू कहाँ तक, जीरो तक, ठीक है। आप देख सकते हैं, अब इसके बीच का कोई वैल्यू आप लीजिए, इसके बीच का कोई वैल्यू आप ले सकते हैं माइनस फोर पॉइंट नाइन, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप निकालिए, देखिए माइनस फाइव ही तो आएगा ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ से बॉक्स एक्स क्या हो जाएगा, माइनस फाइव, यहाँ से बॉक्स एक्स क्या आ जाएगा, माइनस फोर, यहाँ से बॉक्स एक्स क्या आ जाएगा, माइनस थ्री, यहाँ से बॉक्स एक्स क्या आ जाएगा, माइनस टू, यहाँ से बॉक्स एक्स क्या आ जाएगा, माइनस वन। ऐसे भी देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या आया, यही सब आंसर आया। इस प्रकार से इंटीजर को ब्रेक करेंगे तब उसका वैल्यू निकालेंगे। इससे मेरे को ये आइडिया आ जाता है पहले ही कि दो लगातार इंटीजर के बीच में जब आप इसको लिखेंगे तो माइनस फाइव से माइनस फोर तक लिखना पड़ेगा, फिर माइनस फोर से माइनस थ्री तक, माइनस थ्री से माइनस टू तक, माइनस टू से माइनस वन तक, फिर माइनस वन से जीरो तक। अब हम देखेंगे ये दो लगातार इंटीजर के बीच में आ गया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, माइनस फाइव, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, माइनस फोर, इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या आएगा, माइनस थ्री, इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, माइनस टू, इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, माइनस वन। समझ में आया क्या? इसीलिए हम लोग ये सोच करके चलते हैं, यदि आपको इस प्रकार का इंटरवल दे दे, लगातार नहीं है, ठीक है, तो देख लीजिए जीरो से कम में जितने भी इंटीजर्स यहाँ तक में आएगा इसको भी इंक्लूड करते हुए, ठीक है, सब तमाम इसका क्या आज हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अभी जितना भी हम पढ़े हैं कंसेप्ट सबके सब ग्रेटेस्ट इंटीजर का था। अब चलिए फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, पहले फ्रैक्शनल पार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कॉम्बाइंड क्वेश्चन चलेगा दोनों का। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, अब इसका भी वही कंसेप्ट है, ज़्यादा कंसेप्ट लेंदी नहीं है इसका, उससे भी आसान है। लेट एक्स बिलोंग्स टू रियल देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इज डिनोटेड बाय x को करली ब्रैकेट के अंदर में डाल देना है, ठीक है। करली ब्रैकेट ऑफ x को हम क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, FPF, FPF है ना, एंड इज डिफाइंड एज x, यदि रियल नंबर है, ठीक है, तो x के फ्रैक्शनल पार्ट को हम इस प्रकार से लिखेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर में x डाल करके, है ना। और ये देखिए डिफाइन कैसे होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है, x माइनस इंटीग्रल पार्ट, बस इतना ही इसका कंसेप्ट है, x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, मतलब इंटीग्रल पार्ट आ ही गया जो आपको हम इससे पीछे पढ़ाए हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, जैसे 2 का फ्रैक्शनल पार्ट यदि आपसे पूछा जाए, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 2 माइनस 2 का इंटीग्रल पार्ट कितना आ जाएगा, 2 का इंटीग्रल पार्ट 2, और 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 0। चलिए माइनस 3 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं। देखिए यहाँ पर x का फ्रैक्शनल पार्ट यदि मेरे को निकालना रहता है तो x माइनस बॉक्स x करते हैं ना, यहाँ क्या आ जाएगा, x की जगह पर है माइनस 3 माइनस माइनस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अब यू क्या हो जाएगा, माइनस थ्री, और इसका देखिए इसका भी आ जाएगा क्या, माइनस थ्री, ये दोनों कैंसिल हो करके क्या आ गया, जीरो। और भी चलते हैं आगे, जीरो का ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, जीरो माइनस जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, जीरो।
चलिए और भी लेते हैं, 9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा, 9 - 9 का इंटीग्रल पार्ट, 9 इंटीजर होता है इसीलिए 9 का इंटीग्रल पार्ट 9 आ जाएगा, तो 9 - 9 इक्वल्स टू क्या, 0। इस बात से एक चीज़ साफ साफ पता चल पा रही है, ठीक है, यदि आपको इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए दिया जाए तो आप क्या बोलिए, हमेशा ही 0, ठीक है। मतलब इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, हमेशा 0 होता है। देख लीजिए जितना भी इसमें अभी लिए हैं सब के सब क्या है, इंटीजर ही है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर एक कंसेप्ट है नॉट में, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। यदि x क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, तभी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, 0 होगा। या कहीं यदि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 रहे तो आप x, आप इसका उल्टा भी समझिएगा, IFF का मतलब क्या होता है, यदि ये सही है तो हम क्या करेंगे, इसको सही मान सकते हैं, और यदि ये सही है तो हम इसको सही मान सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि यदि x क्या है, यदि x इंटीजर रहेगा, ठीक है, यदि x इंटीजर रहेगा तो x के इंटीग्रल पार्ट को, x के फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। और यदि किसी, जैसे x का फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ गया, इसका मतलब पक्का x जो अंदर में है वो इंटीजर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट, 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा, 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, x, मतलब x का होता है x माइनस बॉक्स x, तो यहाँ आ जाएगा 2.3 का, 2.3 माइनस 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2.3 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0.3, ठीक है। 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 1.5 माइनस 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1.5 माइनस 1, दिस इज 0.5। चलिए 2.9 का निकालते हैं फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू, 2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 2.9 माइनस 2.9 का इंटीग्रल पार्ट, 2.9 और 2.9 का इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, 2, और जब आप इसमें से घटाएंगे तो 0. कितना आ जाएगा, 9। इसके बाद तो अब इंटीजर की ही बारी है ना, तो पॉजिटिव वाला ले लिए, तो देखिए इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका वैल्यू हमेशा ही 0-1 के बीच में आया है। एक बार निगेटिव वाला लेते हैं, माइनस 4.9 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं, माइनस 4.9 माइनस माइनस 4.9, और ये कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा क्या, माइनस 5। अब चलिए 0.1 आ जाएगा इसका, तो ये भी देख लीजिए 0-1 के बीच में ही आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है, फिर से आप नोट में लिख लीजिए, ठीक है, नोट में आप ये लिख लीजिए कि इंटीग्रल पार्ट हमेशा लाई करेगा क्या, 0-1 के बीच में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, रियल नंबर में भी इंटीजर आ जाता है, ठीक है, मतलब इंटीजर रियल नंबर में ही आता है ना, जब इंटीजर लेंगे उस टाइम में 0 हो जाएगा। देख लीजिए अभी हम आपको दिखा भी दिए हैं इंटीजर लेकर के, कहाँ लिए थे यहाँ पर, इसमें देखिए जितना भी ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर में है नंबर, सब के सब क्या है, इंटीजर है। तो देख लीजिए इसका इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या आया, 0 आया, इसका 0 आया, इसका 0, इसका 0 आया, और यहाँ देखिए नॉन इंटीजर लिए हैं तो 0-1 के बीच में आया। और यदि हम x को रियल बोलते हैं तो रियल नंबर में ये सब भी आ जाएगा, और ये भी रेशनल इरेशनल सब आ जाता है, ठीक है, रेशनल नंबर में इंटीजर सब रेशनल नंबर में ही आता है, ठीक है, तो रियल नंबर में रेशनल एंड इरेशनल दोनों आता है। तो इससे मेरे को ये पता चलता है ये सब है रेशनल नंबर है, ठीक है। और इसका देखिए क्या निकालें हम, फ्रैक्शनल पार्ट निकालें, 0-1 के बीच में आया, इंटीजर पर आ जाएगा क्या, 0। इसका मतलब किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या 0-1 के बीच में लाई करता है x के हर एक वैल्यू के लिए,
जिसमें जीरो और वन, वन तो कभी नहीं होगा, ठीक है, तो जीरो भी कब नहीं होगा, जीरो तब नहीं होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, या ऐसे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, एक्स यदि इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, जीरो वन के बीच में लाई करेगा। इंटीजर पढ़ी तो फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होता है, ठीक है, इंटीजर पढ़ी फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जीरो के बराबर आता है। यहाँ इंटीजर एक्स नहीं है तो इसका मतलब जीरो वन के बीच में लाई करेगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं। अब बस इतना ही है फ्रैक्शनल पार्ट का कंसेप्ट। शॉर्ट नोट्स हम इसका लिख देते हैं, ठीक है ना, जो जितना भी अभी हम आपको पढ़ाएं। बॉक्स एक्स एक्स के बराबर आएगा क्या, कब, जब एक्स इंटीजर रहेगा, इंटीजर जस्ट लेस देन x, जब नॉन इंटीजर रहेगा, ठीक है ना, x यदि इंटीजर रहेगा तो बॉक्स x x दे देगा, और यदि x इंटीजर नहीं रहेगा तो x से जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा वो इसका वैल्यू आ जाएगा, x प्लस माइनस ऑफ बॉक्स x। इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर तो क्या आ जाएगा, जीरो। If x does not belongs to integer, then क्या आ जाएगा, माइनस वन। इस चीज़ से हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, देखिए कहीं कहीं हम मान करके चलेंगे जब क्वेश्चन में माइनस x आ जाएगा तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा मेरे को, तो यहाँ हम आपको ऐसे ले ले करके बताएंगे, ठीक है। अच्छा, ये बॉक्स x है यहाँ पर, इसे क्वेश्चन में डाल सकता है ये दो, मतलब इसके बारे में तो बहुत सारे लोग को आइडिया रहता है, ठीक है, इसके निगेटिव के बारे में पता नहीं रहता है, तो वहाँ हम दो केस ले लेंगे। देखिए यहाँ पर केस क्या आ जाएगा, केस वन और केस टू। पहले केस वन चलिए, इफ एक्स क्या है, इंटीजर, ठीक है, केस टू, इफ एक्स इंटीजर नहीं है, है ना, यदि एक्स इंटीजर रहेगा और एक्स इंटीजर नहीं रहेगा, दो ही बात यहां पर हो सकती है, यदि एक्स इंटीजर रहेगा तो एक्स प्लस माइनस ऑफ बॉक्स एक्स प्लस माइनस ऑफ बॉक्स एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो। अब मान लीजिए इक्वेशन में आपको ये रहेगा दिया हुआ, तो आप सीधा सीधे यहाँ क्या करेंगे, इतना इक्वल्स टू माइनस ऑफ बॉक्स एक्स यूज कर लेंगे, ठीक है। यदि एक्स इंटीजर रहेगा तो माइनस ऑफ बॉक्स एक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, एक्स इंटीजर रहने पर सीधा सीधी अंदर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और यदि एक्स इंटीजर नहीं रहेगा तो देखिए बॉक्स एक्स प्लस माइनस ऑफ माइनस एक्स ऑफ बॉक्स एक्स, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, मतलब ये दोनों का सम कितना आ जाएगा, माइनस वन के बराबर। ये दिया हुआ ही, मतलब इसके बारे में आप जानते हैं, इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, दो केस हम ले लिए, एक इंटीजर एक नॉन इंटीजर, इसी का वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्या आ जाएगा, माइनस वन माइनस बॉक्स एक्स। तो इसी चीज को हम रिमार्क करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को समझने के लिए, ठीक है।
एक्स यदि इंटीजर नहीं रहेगा तो ये कंसेप्ट लगाएंगे, और एक्स यदि इंटीजर रहेगा तो माइनस को सीधा सीधी बाहर हम कर देंगे, ठीक है। बॉक्स एक्स हमेशा ही इंटीजर को बिलोंग करेगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, ठीक है ना। बॉक्स एक्स हमेशा क्या करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा एक्स के हर एक वैल्यू के लिए, मतलब एक्स के जगह कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा इंटीजर ही देगा। अब आगे बढ़ना है, आगे है लेट एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, एंड बॉक्स एक्स इक्वल्स टू एन, यदि एन इंटीजर है, ठीक है, और बॉक्स एक्स एन के बराबर है, देन तो हर किसी का जो दिले ख्वाहिशें होती है ना एक्स का वैल्यू को निकालना, हम लोग भी किसी इक्वेशन या इन इक्वेशन को सॉल्व कर करके क्या निकालते हैं, उसमें फंसे एक्स का वैल्यू अननोन का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ बॉक्स एक्स इक्वल्स टू एन है, देन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप ऐसे बोल सकते हैं एक्स एन से एन प्लस वन के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना, यहां से यहां तक लाई करेगा। ये बात को आप रट जाइएगा। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं। कह रहा है क्या, सॉल्व फोर एक्स इफ 2 माइनस थ्री एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू है क्या 1, लिख रहा है वेयर, ये जो ब्रैकेट है ना, जिसे ब्रैकेट को देख करके बहुत सारे लोगों को लग सकता है, ये जो डॉट लिखे हैं इसका मतलब इसके अंदर में ये सब जो है इसके बारे में लिखे हैं। अब इतना तो लिखना पार नहीं लगेगा, ये किसको डिनोट कर रहा है, वेयर इतना डिनोट्स द जी आई एफ, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है ये, नहीं तो बच्चे को लगेगा ये तो ब्रैकेट है, इसको हटाओ, है ना, हटा देगा बच्चा। यदि 9th 10th स्टैंडर्ड का विद्यार्थी को यदि ये क्वेश्चन दिया जाए तो वो भी बना लेगा, बना लेगा मतलब जिस तरीका से अभी हम बनाएंगे उस तरीका से तो नहीं बनाएगा ना, मतलब वो बना लेगा, फॉर्मेलिटी निभा लेगा किस प्रकार से करके, लगेगा ये बॉक्स जो है ना अनजाने में सर से क्या हो गया, लिखा गया, ठीक है, इसको हटाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लेगा, बट ऐसे नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो है ना इसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो इसका मतलब पक्का ये जो है 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो वहाँ से फिर हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, x कहाँ से कहाँ तक, क्या है गिवन, क्या है पहले देख लेते हैं, 2 माइनस 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू 1 है, आप देख लीजिए एक क्षण के लिए, आप समझ जाइए कि ये कैपिटल x है, तो कैपिटल x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 के बराबर है, इसका मतलब ये x जो है ना कैपिटल x 1 है, और 2 के 1 के इक्वल तो होगा ही, इसके इसके बीच में लाई करेगा। तो अब x के जगह पर जो है, चूँकि मेरे को स्मॉल x का वैल्यू निकालना है, 2 माइनस 3x ऐसे हो जाएगा, सब में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, माइनस 3 नहीं माइनस 1, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 3x, और यहाँ क्या आ जाएगा 0, सब में माइनस 3 से डिवाइड लगाइए, इनक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा चेंज, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा माइनस 3 बाय माइनस 3, ये आ जाएगा क्या 1/3, डेट इज x बिलोंग्स टू 0 से 1/3, इस पर क्लोज इस पर ओपन, ये हो गया x का वैल्यू। देख रहे हैं यहाँ पर भी इंटीजर साथ नहीं छोड़ रहा है अपना, मतलब जहाँ से हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, वहाँ से यदि आप नहीं स्टार्टिंग करते हैं पढ़ना, ठीक है, तो फिर ये सब आपका ऐसे ही फालतू का पढ़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लगाते हैं इसमें।
यदि 2x प्लस 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 के बराबर है तो x का वैल्यू निकालना है, और ये ब्रैकेट ऑफ x या बॉक्स बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मालूम है ना, स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर को, ठीक है। तो अब यहाँ से x का वैल्यू मेरे को निकालना है ना, x का वैल्यू अब मेरे को निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 2x प्लस 5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है 4 के बराबर, मतलब ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर है, 4 के बराबर, इसका मतलब ये पक्का 4 से 5 के बीच में लाई कर रहा होगा। यहाँ देख लो आप, यदि बॉक्स x n के बराबर है तो x कहाँ से कहाँ तक, n से n प्लस 1 तक लाई कर रहा है, ठीक है, जिसमें कि n को हम शामिल कर सकते हैं। तो x की जगह क्या है, ये है ना, तो इसका मतलब 2x पक्का 2x प्लस 5 या तो 4 है या 4 से क्या है ग्रेटर है, लेकिन 5 तक जाएगा। अब सब में से क्या कीजिए, 5 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, 2x यहाँ आ जाएगा, जो सब में 2 से डिवाइड लगा देते हैं। अब चलिए x बिलोंग्स टू माइनस 1 बाई 2 से 0 के बीच हो गया इसका सॉल्यूशन। बस हटाने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद तो कोई दम ही नहीं है इसमें। या आप ऐसे बोल सकते हैं, x यदि दो लगातार इंटीजर के बीच में लाई करता है तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो दोनों लगातार इंटीजर में जो छोटा होता है ना उसके बराबर होता है। इसका मतलब पक्का ये जो x है दो लगातार इंटीजर के बीच में पक्का लाई कर रहा होगा 4 से लेकर के 5 के बीच में, तभी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 के बराबर आया। तो 4 से 5 के बीच में इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं इसी में, कहाँ तक लिखा दिए हैं, 3, 4, 5वां नंबर। अब जैसे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, फिर से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम निकाल लेते हैं, मतलब ये इस बॉक्स के अंदर में क्या किया हम, बॉक्स x डालें, ठीक है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, तो इसका वैल्यू बॉक्स x के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि अब ये इंटीजर बन चुका होगा, ठीक है, हम आपको देखिए लिखा चुके हैं बॉक्स x ऑलवेज गिव्स क्या इंटीजर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बॉक्स x बिलोंग्स टू इंटीजर 4 ऑल x बिलोंग्स टू रियल, x के किसी भी वैल्यू के लिए बॉक्स x का क्या वैल्यू आएगा, इंटीजर आएगा। इसका मतलब ये होगा इंटीजर, अब देखिए अब ये इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर का ब्रैकेट क्या होगा, इंटीजर ही, तो मतलब अब ये सीधा सीधे बाहर निकल जाएगा। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई ना, अरे ये इंटीजर है क्या, ये पूरा अभी इंटीजर है, इंटीजर का ब्रैकेट वही होता है ना, अभी हम बोले हैं ना यदि बॉक्स x में x यदि इंटीजर रहेगा तो x निकल जाएगा, मेरे को ये पता है ये इंटीजर है, ये जो भी वैल्यू देगा इंटीजर ही देगा, तो इस बॉक्स के अंदर में इंटीजर है तो एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा। यहाँ से बहुत सारा बॉक्स भी लगा देगा ना, जैसे मान लीजिए इसी में इन जनरल हम ऐसे बोल सकते हैं, इन जनरल में ऐसे बोल सकते हैं बॉक्स, फिर है इसका बॉक्स, ठीक है, फिर इसका बॉक्स, फिर इसका बॉक्स, चलते रहेगा, तब भी यहाँ बॉक्स एक्स ही हम लिखेंगे। याद रखिएगा एक्स प्लस वाई का बॉक्स हो जाएगा क्या, बॉक्स x प्लस बॉक्स y, x प्लस y का बॉक्स क्या होगा, बॉक्स x प्लस बॉक्स y, हाँ, यहाँ इफ एट लीस्ट वन ऑफ x एंड y आर इंटीजर्स, मतलब इसमें से कम एक क्या होगा, इंटीजर्स होगा ही, या तो यदि दोनों भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है चलेगा, लेकिन दोनों में से कम एक तो इंटीजर पक्का होना ही चाहिए तभी हम बाहर कर पाएंगे। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे x प्लस 3 है, ये दोनों का अभी ये दोनों सम में है, तो ऐसा तो नहीं एक अलग अलग करने का प्रक्रिया जो यहाँ हम आपको बताए हैं यहाँ लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ तब लगेगा जब ये दोनों में से कम जो दो नंबर आपका यहाँ एडिशन में है दोनों में से कम एक इंटीजर होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर इंटीजर इसके बारे में पता ही नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे और इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, ये तो ऐसे ऐसे का ऐसे रह जाएगा। फिर यहाँ देखिए 3 का ये आ जाएगा क्या, 3
अब जैसे आपके दिमाग में इस प्रकार से भी चीज़ें आ सकती है, x माइनस थ्री रहेगा तो आप तो प्लस वाला के लिए बताएं, तो आप ऐसे सोचो ना, क्या आपको सोचने के लिए आता है ना। अब ये दोनों देखो, ये भी मतलब ये क्या है मालूम नहीं है, लेकिन ये मेरे को पता चल गया इंटीजर, माइनस थ्री तो इंटीजर होता है। तो अब अलग अलग दोनों को हम कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, बॉक्स x प्लस माइनस थ्री का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो नहीं निकल पाएगा चूँकि इसके नेचर के बारे में पता नहीं है मेरे को। ये क्या आ जाएगा, माइनस थ्री प्लस इंटू माइनस माइनस टू एक्स प्लस सेवन का ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या हो जाएगा, टू इंटू बॉक्स एक्स प्लस सेवन का बॉक्स। अब ये नहीं कि इस टू को बाहर निकाल देना है, ऐसा नहीं है कंसेप्ट, इसीलिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लिए हैं कि ये टू निकालने वाला कंसेप्ट बिल्कुल यहाँ नहीं चलेगा, नहीं तो हम निकाल दिए होते। मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे को ऐसा ना लगे कि ये जो है ना इस प्रकार से भी हो सकता है, एन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर एन इंटू बॉक्स एक्स नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, कभी भी बाहर नहीं निकलेगा कांस्टेंट। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, एक्स प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स वाई इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, ठीक है। दोनों से कम एक क्या होना चाहिए, इंटीजर होना ही चाहिए, तभी हम इसको बाहर कर पाएंगे, अन्यथा बाहर नहीं हो पाएगा। ऐसे इसमें और भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके ऊपर हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम इस क्लास में आपको बोले ही हैं इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, नहीं तो अभी ये सब जितना भी अभी पढ़ा रहे हैं ये सब ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही हिस्सा है, ठीक है, थ्योरी है, कंसेप्ट है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में हम आपको बोले थे, तो दोनों ही पहले आप जान जाइए, ठीक है, उसके बाद तो फिर क्वेश्चन करते करते सबका आइडिया आ जाता है। अब चलिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, x माइनस बॉक्स एक्स, याद रखिएगा x माइनस क्या, बॉक्स एक्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन यदि आपको x निकालना रहे तो, x निकालना रहे तो इसको उठा करके इस साइड कर देंगे, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होता है, x होता है। ये भी याद रखना है उतना ही, और ये भी याद रखना है, यदि मेरे को कभी कभी x को इलिमिनेट करना रहेगा, ठीक है, तो हम सीधा सीधे क्या करेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो याद रखिएगा, इसको बहुत सारे लोग फ्रैक्शनल पार्ट को f के नाम से भी जानता है, ठीक है, और ये जो है ना इंटीग्रल पार्ट को i भी बोल सकता है, या हम क्या करते हैं n के नाम से दे देते हैं, ठीक है। चलिए, इंटीजर को हम क्या किए, n से रिप्रेजेंट कर दिए, मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को n से रिप्रेजेंट कर दिए, तो x इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, लिख देंगे क्या, n प्लस f, ये हो गया क्या, ये हो गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ, इतना डिनोट्स है ना, n डिनोट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, और ये जो है ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो x इक्वल्स टू आराम से हम बोल सकते हैं n प्लस f, मतलब x को आप इंटीग्रल और फ्रैक्शनल के पार्ट में लिख सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, मतलब किसी भी नंबर को आप क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल और इंटीग्रल पार्ट के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। जैसे देखिए, हम आपको समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए 2.5 है, x की जगह पर 2.5 ले लिए, तो आप इसको कुछ इंटीजर कुछ फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे 2 प्लस 0.5, देख लीजिए ये इंटीजर है, ये फ्रैक्शन है, आपको विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं 5/10, 2 प्लस 1/2, देखिए ये हो गया इंटीग्रल, ये हो गया फ्रैक्शनल की नहीं, मतलब किसी भी नंबर को हम इंटीग्रल तथा फ्रैक्शनल पार्ट के सम के रूप में लिख सकते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं, एनी नंबर है ना, एनी नंबर कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ फ्रैक्शनल एंड इंटीग्रल पार्ट, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट एंड इंटीग्रल पार्ट, मतलब किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो वही बात है, x को मेरे को लिखना है, अब फ्रैक्शनल x देखते ही मेरे को पता चलना चाहिए, इंटीग्रल फ्रैक्शनल दोनों को के टर्म में इसको हम लिख ही सकते हैं,
आराम से लिख देंगे इंटीग्रल तथा फ्रैक्शनल के फॉर्म में, है ना। चलिए इस बात को आप रट जाइएगा, x इक्वल्स टू क्या, n प्लस f। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, इसका बहुत ज़्यादा यूज है, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है ना, मतलब वेरी वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी है ये। कहीं यदि एक्स को मेरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना रहेगा फ्रैक्शनल एंड इंटीग्रल के सम में, ठीक है, तो आराम से हम क्या करेंगे, लिख देंगे इस प्रकार से, एक्स इक्वल्स टू एन प्लस एफ। ऐसे यहाँ पर देखिए दिखा भी दिया हम, ये हो गया इंटीग्रल, तो ये हो गया एन और ये फ्रैक्शनल है, ये 2.5 को हम एक्स ही मान लेंगे, तो एक्स इक्वल्स टू एन प्लस एफ आ ही जाएगा ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा, जीरो के बराबर, ठीक है, इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका उल्टा भी सही है, यदि एक्स इंटीजर रहेगा तो एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, जीरो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो के बराबर कब नहीं होगा, इफ एक्स क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा। यदि एक्स इंटीजर नहीं होगा तो कभी भी इसका वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आएगा। तो याद रखिएगा फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू जीरो और वन के बीच में कब आएगा, इफ एक्स इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, यदि एक्स इंटीजर नहीं होगा, हम ये सब समझा चुके हैं, ठीक है ना, इसका वैल्यू जीरो भी होगा, वन तो नहीं ही होगा, चूंकि वन फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू होगा ही नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू यदि वन हो जाएगा तब तो वो इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा ना, तो फ्रैक्शन में ही रहेगा, जीरो वन के बीच में। यहाँ ये क्या हो जाएगा, फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, मतलब एक्स के किसी भी रियल वैल्यू के लिए, एक्स में रियल में इंटीजर भी आता है, इंटीजर पर जीरो, नॉन इंटीजर पर जीरो और वन के बीच में। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जैसे ये फ्रैक्शनल पार्ट है, अब मेरे को इसका इंटीग्रल पार्ट निकालना रहेगा। क्या देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मेरे को इंटीग्रल पार्ट निकालना रहेगा, तो हम कैसे निकालेंगे। यदि मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का इंटीग्रल पार्ट निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ऐसे देखिए। आप जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो वन के बीच में लाई करता है, चलिए जीरो भी ले लेते हैं, वन भी ले लेते हैं। ठीक है, यदि एक्स क्या रहेगा, जीरो वन के बीच में लाई करेगा, यदि x 0 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, तो x का इंटीग्रल पार्ट 0 होता है, ऐसा हम बोले हैं ना। अभी देखिए ये क्या है, 0 1 के बीच में लाई कर रहा है, यदि ये 0 1 के बीच में लाई कर रहा है तो मान लीजिए एक कैपिटल x है, कैपिटल x यदि 0 1 के बीच में लाई करेगा तो कैपिटल x का इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। याद रखिएगा, अरे आप ऐसे समझिए ना, यहाँ बॉक्स x किसके बराबर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किस, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 के बीच में। तब और हम आपको बोले हैं यदि x 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो x का इंटीग्रल पार्ट होता है क्या, 0। अब यदि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 1 के बीच में लाई कर रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का इंटीग्रल पार्ट कहाँ क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा। अब जैसे देखिए इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट निकालना रहेगा, इसका भी वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स ऑलवेज गिव्स एन इंटीजर, ठीक है, और इंटीजर का देख लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट होता है जीरो, सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो।
समझ में आया क्या आज? इतना ही ठीक है ना, अब हम इनके इंटीग्रल पार्ट के इनक्वालिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है? सो आज इतना ही, चलिए थैंक यू, बाय बाय।